असलाक आज हमारी लास्ट क्लास है तो इस लास्ट क्लास में हम करेंगे अपना एक सैंपल पेपर तो आपके सामने स्क्रीन पर आपके सामने मौजूद है एक स्क्रीन और उस पर आपको नजर आ रहा है एक सैंपल पेपर यानी कि आपको इस तरह का पेपर मिलेगा एग्जाम में कुछ चीजें देखिए बहुत गौर से जिसमें सबसे पहले है कोड नंबर ये आपका पेपर का कोड नंबर है ओके सेट भी लिखा हुआ है यहां पर सेट इज ए. ओके? आपका जो रोल नंबर होगा वो आपको यहां पे फिल करना होगा आपको ऐप के एडमिट कार्ड मिल चुके होंगे प्लीज म्यूट योर माइक्स म्यूट योर माइक्स ओके बेटा सब्जेक्ट कोड इज दिस ये आपका सब्जेक्ट कोड है ये चीजें आपको जो ऐसी चीजें हैं इंपॉर्टेंट जो आपको अपने आंसर शीट में फिल करनी होंगी यहां पर भी उसको चेक रखना होगा और उधर भी आपको ध्यान रखना होगा कुछ आपको इंस्ट्रक्शन दी गई हैं जिस इंस्ट्रक्शन में आपको बताया गया है पंद्रह मिनट आपको दिए जा रहे हैं क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए ठीक है बहुत इतमान से जाइएगा दुआ पढ़कर जाइएगा वक्त से पहले जाने की कोशिश करिएगा वहां पर और उसके अलावा पंद्रह मिनट आपको आपका सवालनामा जो आपका क्वेश्चन पेपर है उसको पढ़ने के लिए दिया जाएगा बाकी सारी इंस्ट्रक्शन यहां पर मौजूद है जैसे हमने और आपको दिखाया है दो पंद्रह से ढाई बजे तक द क्वेश्चन पेपर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन टू फिफ्टीन टू टू थर्टी पंद्रह मिनट में आपका क्वेश्चन पेपर आपको दिया जाएगा उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होगा विल नॉट राइट एनी आंसर आपको सवाल जो क्वेश्चन पेपर है उस पर कुछ नहीं लिखना है ठीक है बेटा कुछ नहीं लिखना है आपको बस देहन में रखना है कैंडिडेट मस्ट राइट हिज हर रोल नंबर रोल नंबर कहां लिखा था जो मैंने आपको अभी दिखाया आपका रोल नंबर यहां है जो आपको एडमिट कार्ड मिलेगा उसके बाद प्लीज चेक द क्वेश्चन पेपर टू वेरीफाई द टोटल पेजेस आपको उसमें बताए जाएंगे टोटल नंबर ऑफ पेजेस कितने हैं तो वो पहले काउंट कर लीजिएगा आप देख लीजिएगा उन पेजेस को अगर बाई चांस किसी का ऐसा निकल जाता है कोई पेपर प्रिंट नहीं है और उतने पेपर नहीं है तो जो आपके इन्विजिलेटर वहां मौजूद हैं उनको बताइए उनके नोटिस में जरूर लाइए ऐसा नहीं आप पेपर करने बैठ जाए पेपर इजी लगे बाद में पता चले कोई पेपर मिसिंग है उसमें से देन वॉट यू हैव टू डू नेक्स्ट सीक्वेंस में करिएगा क्वेश्चन आंसर जो करें वन टू थ्री ऐसे सीक्वेंस में करिएगा ऐसा नहीं आपको क्वेश्चन नंबर वन लगा अच्छा तो आपने पहले वो अटेम्प्ट करा बाकी पांच जो सवाल थे वो आपको मुश्किल लगे आपने छोड़ दिए फर्स्ट के बाद सीधे आपने सिक्स क्वेश्चन अटेम्प्ट करा ठीक है तो जो चेकर होता है उसके लिए प्रॉब्लम होती है इसीलिए अगर सीरियल ऑर्डर में करेंगे आप तो आपको भी आसानी रहेगी जो चेकर होता है जो चेक करता है पेपर उसके लिए भी आसानी होगी सवाल देखिए सारा पूरा आपको थोड़े पॉइंट्स आपको बताए गए हैं जिनके मदद से आप क्या करेंगे अपना क्वेश्चन पेपर जो है उसको सॉर्ट आउट कर लेंगे एमसीक्यूज जो मैंने बताए थे चार मुतबाद में से किसी एक को मुंतब करें मैंने आपको एम फॉर्म में बताया था ये और ये हम बहुत दफा आपने करा भी था ऐसे सवाल होंगे मारूज किस्म के सवाल तमाम सवालत को मुकर वक्त के अंदर हल करना है और मारूज किस्म के सवाल के लिए कोई अलहदा वक्त मुक्र नहीं है एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा ठीक है बेटे जवाब की किताब यानी कि जो आपकी आंसर शीट है इसका इसमें कोई शनाख्ती निशान बनाने या मखसूद जगहों के अलावा कहीं और रोल नंबर लिखने पर उम्मीदवार जो है यानी कि जो आप लोग हैं कैंडिडेट हैं आपको डिसक्वालीफाई कर दिया जाएगा तो इसलिए जहां रोल नंबर लिखना है वहीं लिखिएगा उसके अलावा कहीं और नहीं लिखिएगा इज इट क्लियर देन अपने सवालनामे का कोड नंबर जो मैंने सबसे ऊपर आपको दिखाया था आपके क्वेश्चन पेपर में सबसे ऊपर लिखा हुआ था वो आपको वहां पर डालना होगा आप अगर इसके लिए अपनी जो इन्विजिलेटर है उसकी मदद लेंगे तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है पूछने में हर्ज नहीं है ठीक है पर गलत मत कीजिएगा सवालनामा सिर्फ अंग्रेजी और उर्दू में है ठीक है ताहिम अगर आप चाहें तो दर्द जेल जवानों में भी आप कर सकते हैं और इंग्लिश में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर लिखवाए हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इंशाल्लाह पेपर विल बी वेरी इजी तो शुरू करें हम अपने सवाल नामा चलिए बेटा यस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दीज थिंग्स चलिए सेक्शन वन हमारा सेक्शन वन है इसमें आपको उर्दू और इंग्लिश दोनों में आंसर्स और सवाल दोनों चीजें दी गई हैं पहला सवाल है यूरोप विटनेस प्रोफाउंड चेंजेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया ड्यूरिंग यानी कि यूरोप ने निशात के दौरान जैल में से किस इलाके में गहरी तब्दीलियां देखी थी इलाका ऐसा वाला इलाका नहीं कि मैं सीताराम बाजार में रहती हूं मैं जामिया में रहती हूं या मैं ओखला में रहती हूं ऐसा वाला इलाका नहीं इलाका वो यानी कि आपके सराउंडिंग्स में आपका घर का माहौल कैसा है आपका Uh, सियासी जो माहौल है आपके इलाके का वो कैसा है तो यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं उन्होंने दे रखा है कल्चरल स्फेयर हम आ जाते हैं उर्दू पर सकाफती दायरा इकतसादी दायरा सियासी दायरा और मजहबी दायरा जो रेना का पीरियड था उसमें किस दायरे में उन्होंने क्या चीज़ देखी इम्पैक्ट देखा किस चीज़ में उनको चेंजेस नजर आए तो वो था हमारा कौन सा वाला पीरियड कौन सा वाला स्फेयर था डायरा इकोनॉमिक सखाफती डायरा वेरी गुड बेटा वेरी गुड वेरी गुड योर आंसर इज करेक्ट अब ये देखें ये एक एक नंबर के सवाल है ऑप्शन आ रहे हैं आपके यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पीरियड इज एसोसिएटेड विदिसा इन यूरोप अब उन्होंने पूछा है दर्ज जिले में से कौन सा दौर यूरोप में निशाते सानिया के साथ मंसूब किया जाता है कौन सा वह दौर है जिसको इससे जोड़ा जाता है आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं तारीख का दौर साइंसी तहकीक का दौर जहालत का दौर या गैर मंतकली दौर कौन सा आंसर होगा Yes कोई आइडिया कोई गैस यस बेटा क्विकली क्विकली प्लाई करें बिकॉज वी हैव लॉट मोर क्वेश्चन सवाल हमारे पास बहुत सारे हैं और हम कोशिश करेंगे इसको कवर अप पीरियड ऑफ इग्नोरेंस वेरी गुड पीरियड ऑफ इग्नोरेंस यस यानी कि पीरियड ऑफ इग्नोरेंस नंबर सी yes. yani C, जिसको हम कहेंगे जहालत का दौर क्लियर है बेटा देन नेक्स्ट क्वेश्चन बरतानवी तारीख के दर्जे में से कौन सा दौर सनती इनकलाब का दौर कहलाता है आपको चार तारीखें दी गई हैं ठीक है चार पीरियड्स दिए गए टाइम पीरियड्स दिए गए आपको जिसमें सनती का दौर कहा जाता है वो कौन सा दौर होगा सेवनटीन फिफ्टीन टू एटीन फिफ्टी माशाला वेरी गुड मुझे लग रहा है आप पेपर करके बैठी हुई है ये वाला की भी डॉक्टर आई होप फॉर एवरीबडी मैं सबके लिए चाहूंगी सारे बच्चे ऐसे रिस्पॉन्ड करें और देखिए एक चीज देखते चलिए आपके पास अगर ऐसे एमसी क्यू फॉर्म आ रहे हैं तो उसमें एक सवाल ऐसा आता है ये आता है और या तो ये वाला कर लीजिए या ये कर लीजिए इसमें कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ना यहाँ पे कोई नंबर नहीं है पर यहां लिखा हुआ है नंबर टू हर सवाल के साथ दो दो सवाल दिए गए जो आसान लगे वो कर लीजिए आ रही है समझ में ओके विच वन ऑफ फॉलोइंग सिस्टम वॉज डेवलप्ड इन इंग्लैंड ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन बर्तानिया में सनती इनकलाब के दौरान दर्द जेल में से कौन सा निजाम तरक्की पाया फैक्ट्री सिस्टम फैक्ट्री सिस्टम वेरी गुड वेरी गुड योर आंसर इज ऑल करेक्ट माशाला यू आर नॉट नियर टू मी अदरवाइज आई गिव यूर कैडबरी ओके द नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज दर्जेल में से कौन दास कैपिटल किताब का मुसन्फ है दास कैपिटल किताब का मुसनिफ है जब मैंने आपको शुरू के तीन चैप्टर्स पढ़ाए थे एक नाम का मैंने जिक्र करा था के से नाम था वो hmm. और यहां पे तीन नाम कैसे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए William. कैसर विलियम वेरी गुड कार्ड मार्क्स गुड करेक्ट नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा सवाल है हमारा दर्ज जिल में से कौन सा पहला बैन अलावामी तंजीम थी जो 1920 में कायम हुई यानी कि उनका कहना है पहली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन 1920 में कायम हुई वो कौन सी थी रेड क्रॉस सोसाइटी विचवन लीग ऑफ नेशन लीग ऑफ नेशंस वेरी गुड लीग ऑफ नेशंस करेक्ट यू आर करेक्ट नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन दर्ज जेल में से कौन एंग्लो मैसूर जंग में मैसूर का रहनुमा था और टीपू सुल्तान का एक नाम और था क्या कहते थे उसको शेर मैसूर शेर मैसूर देखिए इसमें भी इस सवाल में भी यह सवाल नंबर पांच है और आप देखिए सवाल नंबर पांच में भी आपको दी जा रही है ठीक है या तो ये आसान लग रहा है ये कर लीजिए या ये आसान लग रहा है तो ये कर लीजिए ठीक है थीके? समझ में आ रही है मेरी बात यहां पर कोई नंबर नहीं लिखा हुआ ऊपर है ये के दो हिस्से हैं या तो ऊपर वाला हिस्सा कर लीजिए या ये मार्क्स वो, उतने ही मिलेंगे आपको ठीक है पर ऐसा मत कीजिएगा कि दोनों यही वाले कर ले आप समझें कि मैंने एक्स्ट्रा करा है तो वहां पर डिस्कालीफाई भी हो जाता है ठीक है बेटा ध्यान से कीजिएगा उन्होंने पूछा है दर्ज जेल में से कौन सा बरतानवी पहलकार 1793 में बंगाल और बिहार में मुस्तकिल आबादकारी मुतारफ कराया कौन था वो जिसने इस चीज को मुतारफ कॉनवेल्स अगेन करेक्ट माशाल्लाह अल्लाह ताला आपको ऐसा रखे जैसे अगर आप मुझे यहां पे आंसर कर रहे हैं आप एग्जाम में भी ऐसे आंसर करें देखिए ये आपका पेपर का कोड है ये जो आपने एग्जाम में भरा था ना सबसे ऊपर जो कोने में लिखा हुआ था जो मैंने आपको दिखाया था यहां पे लिखा पर लिखा हुआ ये कोड आपके हर सफेद पर लिखा हुआ होगा ये चीज सर इट इज हैं ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स आपका सवाल है दर्द दिल में से कौन सी तहरीक 1920 में भारत में शुरू हुई 1920 में भारत में शुरू हुई हां जी शहरी नाफरमानी की तहरीक भारत छोड़ो तहरीक की तहरीक शहरी हुकूक की तहरीक ऑप्शन बी क्विट इंडिया मूवमेंट 1920 में क्विट इंडिया मूवमेंट हो गई थी और इंडिपेंडेंस कब मिली 1947 में ऑप्शन सी ये नहीं तो ये वो नहीं तो वो ठीक है दैट इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट दिस इज नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आदम ताउन की तहरीक ओके okay? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये सैंपल पेपर जब हमारी क्लास ओवर हो जाएगी आपको मिल जाएगा इससे भी प्रैक्टिस कीजिएगा भेज रखा एक वैसे आपको कल ऑलरेडी अभी अगर आपके पास होगा तो आप देखिए अपने कोऑर्डिनेटर से इट विल हेल्प यू अ लॉट मिल जाएगा बेटा मिल जाएगा नो प्रॉब्लम सातवां सवाल है आपका उन्होंने कहा है अमूमन जेल में से किस बुलंदी पर ऊपर की हवाएं या जेट स्ट्रीम्स चलती हैं कौन सी वो बुलंदी होती है जिस पर जेट स्ट्रीम्स चलती हैं? ठीक है थीके? समंदर की सतह से 6000 मीटर ऊपर समंदर की सतह से 8000 मीटर ऊपर समंदर की सतह से 10000 मीटर ऊपर या समंदर की सतह से 12000 मीटर ऊपर जब बारिशें आती हैं हमने बारिशों के बारे में पढ़ा था पढ़ा था ना बारिशों के बारे में हवाओं के बारे में हमने पढ़ा था आ, क्या कहते हैं बंगाल की खाड़ी से लेकर आपका मगरब वहां से जो हवाएं चलती हैं साउथ वेस्ट मानसून चलता है रिट्रीटिंग मानसून होते हैं ये सब हमने पढ़ी थी ये चीजें पढ़ी थी ना हंसी आ रही अरे मैम क्या लफ्ज बोल दिया आपने हमें तो याद भी नहीं आ रहा हमने पढ़ा था ये सही है भाई सब कुछ करा कराया और डुबो दिया आपने मुझे कश्ती को बिल्कुल समंदर के किनारे लाके प्लीज मत डुबो ना बड़ी मेहरबानी होगी ठीक है so, सो इट इज कोई एनी एनी किसी को कोई आइडिया एट थाउजेंड मीटर द सी लेवल इट वेरी इज बट द आंसर इज करेक्ट ओके चलिए अब आते हैं जी जी सवाल पे सवाल बेटा पहले पेपर एक्चुअली आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाए ना पेपर ऐसे ही आएगा आपका ताकि आप घबराए नहीं पता नहीं मैम ने क्या पढ़ाया था यहां तो लफ्ज कुछ नजर आ रहे हैं सब गड़बड़ा रहा है ऐसा कुछ नहीं है सब आपका पढ़ा हुआ है दुआ पढ़कर बैठिएगा ठीक है पहले पेपर कर लेते हैं इफ विल गेट टाइम विल डेफिनेटली डू दैट इन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया आइडेंटिफाई द माउंटेन पीक मार्ग ए आपको वो मैप इसी में होगा ठीक है उसमें उन्होंने पूछा है जहां पर ए लिखा हुआ है वो क्या है चार ऑप्शन दिए उन्होंने आपको कंचनजंगा माउंट एवरेस्ट नंदा देवी एंड नंगा पर्वत अब हंस रही नंगा पर्वत पर मत ये भाई सुन लीजिए आगे अब क्या है ये अब आपको उन्होंने जो मैप दिया है और जिस जगह उन्होंने वो दिखाया है लेट सी आप कहेंगे मैम आप बात कर रही हैं पर आप बता नहीं रही देखिए इस तरह का आपका मैप आएगा आपके पेपर में ही होगा मैप आपको ले जाने की जरूरत नहीं है मैप में यहां पर और ये क्या है इसे सिक्के में ही है ठीक है और यहां पर जो मार्क कर रखा है ए मार्क कर रखा है अब आप बताइए यहां पर कौन सी माउंटेन पीक है कुछ आइडिया कंचनजंगा एनी अदर नंगा पर्वत नंगा पर्वत यहां नहीं है नंगा पर्वत इज हियर समवेयर एंड दिस इज यू कैन से नंदा देवी इट्स नंदा देवी और नंदा देवी है यहां पर आई एम बशर सो मिस्टेक गलती मुझसे भी हो सकती है चलिए देख लेते हैं गलती अच्छा है कि वक्त पर अगर हो रही है गलती तो उसको सुधार लिया जाए तो अब गलती अगर हम सुधारे तो यहां पर आ जाते हैं हमारी यानी कि मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा अच्छे हैं उनको याद रहा जो पढ़ाया था वेरी गुड आई एम क्रॉस चेकिंग यू पीपल गलत लिख के मैंने चेक करा आपको ओके okay. मैप आपका आएगा इस चीज को ध्यान रखिएगा देखिए ये मैप आपको बार बार फोकस क्यों करने को बोल रही थी क्योंकि ये चीजें आप करेंगे ना तो बैठ आपके फ्री के मार्क्स हैं अब ऐसा भी लिखा हुआ होता है विजुअली इंपेयर्ड वो लोग जो नहीं देख सकते उनको प्रॉब्लम होती है मैप में लोकेट नहीं कर सकते उनके लिए सवाल आते हैं पर हम फिर भी करके चलते हैं ताकि हमारी नॉलेज इंक्रीज हो जाए ठीक है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंज इज पैरेलल टू द बे ऑफ बंगाल उन्होंने बोला है दरजेल में से कौन सा पहाड़ी सिलसिला खलीजे बंगाल के متوازی चलता है पैरेलल कहा जाता है ऐसे पैरेलल कहा जाता है ऐसे इस चीज को पैरेलल कहा जाता है जैसे पटरी होती है ना रेल की पटरी बिल्कुल ऐसे कहा जाता है तो उन्होंने बोला है ये है आपका बे ऑफ बंगाल अब इसके इस तरफ क्या चीज है ऐसी उन्होंने चार ऑप्शन दिए आपको उन्होंने दिया आपको सतपुड़ा रेंज ईस्टर्न घाट्स अरावली रेंजेस वेस्टर्न घाट्स। क्या हो सकते हैं ईस्टर्न घाट्स वेरी गुड योर आंसर इज ऑल करेक्ट मशरखी घाट 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 नाउ वी आर मूविंग टू एन अदर मैप एक मैप कर लिया आपने अब देखिए एक मैप और आ रहा है आपका आई टोल्ड यू यू विल गेट फाइव मैप्स एक मैप चार मार्क्स का होगा बाकी मैप्स एक एक मार्क्स के होंगे ठीक है इन्होंने सवाल करा है दिए गए नक्शे में मशरकी घाट के मशर की तरफ बहने वाली दो नदियों की शनाख्त करें और उन्होंने उनके जोड़े आपको बता दिए महानदी और कृष्णा ब्रह्मपुत्र और होगली सोन और कोसी नर्मदा और तापी चलो मैप में देखते हैं जी बेटा नर्मदा और तापी नर्मदा एंड तापी।, तापी ये रही ये रही नर्मदा ये रही तापी यहां पर विंध्या रेंज भी है दिस इज नर्मदा एंड दिस इज तापी ब्रह्मपुत्र आपकी यहां से आ रही है ठीक है ब्रह्मपुत्र इज कमिंग फ्रॉम हियर अब ये जो दो जगह मार्क करिए दिस इज महानदी एंड व्हाट इज द अदर ऑप्शन विद दैट कृष्णा इज इट क्लियर ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन यहां पर एक सवाल फिर आ गया उन लोगों के लिए विजुअली देख नहीं सकते जबानी बताएंगे लोकेट नहीं कर सकते तो इसमें सवाल करा है में से कौन सी दरिया मगरब की तरफ बहती है कौन सी दरिया है जो मगरब की तरफ बहती है यानी केहती है अब वो दरिया हिंदुस्तान में ही है अंदर है उन्होंने आपको दिया है माही नर्मदा गंगा एंड यमुना गंगा अरे भाई गंगा तो यहां है यहां से ऊपर है नॉर्थ इसमें कौन लगाओ और तुक्के निशाना लग जाएगा च वन इज दिस कौन सी थी अभी बताइए मैंने यहां पर अभी पीछे वाले मैप में नर्मदा गंगा यमुना यहीं पर ही है ठीक है एंड हुगली सॉरी इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माही माही इज नॉट हियर तो यहां पर है नर्मदा क्लियर इज इट क्लियर ओके मूव ऑन सवाल नंबर दस इसमें पूछा गया है दिए गए नक्शे में एक और मैप है ये इह, के तौर पर निशान जदा जजीरा नुमा जजीरा किसको कहते हैं जजीरा नुमा प्लेट्यू की पहाड़ी की शनाख्त करें कौन सी है वो पहाड़ी अब इन्होंने यहां पर मैप नहीं दिया ठीक है इसमें मैप नहीं दिया उन्होंने आपको जहां पर वो मार्क करा था इसमें मैप नहीं है सर यस इसमें ए मार्क मार्क कर रहे हैं बट द मैप इज नॉट हियर वी विल गिव यू द मैपेसुलर प्लेट्यू मैंने पढ़ाए थे आपको आपका था उसमें सेंट्रल प्लेट्यूज एंड सेंट्रल हाईलैंड और नीचे क्या था आपका नीचे था आपका डेक्कन प्लेट्यू दक्कनी पठार पढ़ाया था मैं दक्कनी पठार अब ये पेनेंसुलर प्लेट्यू की बात कर रहे हैं और हमें अगर ये वो दिखाएंगे मैप तो हम मैप में देखकर निशान निशानदही करेंगे कि कौन सी जगह है उन्होंने दिखाई है और उन चार ऑप्शंस में से कौन सा आंसर हमारा करेक्ट है जी बेटा मैप, मैप, द्टेंगे द्टेंगे अरे बेटा सारा मैप रेडी आएगा बना बनाया आएगा जैसे अभी पीछे देख रहे हैं ना इसी तरह आपके पेपर में प्रिंट होगा वो मैप ठीक है यस yes. जी बेटा वॉट यस रिपीट योर क्वेश्चन हां जी लिखना होगा ओके नाउ द मैप इज हेयर एंड सी वट दे आर आस्किंग फॉर यू दे के ये ए है ठीक है पेनेंसुलर प्लेटो में आपको बताना है यहां पर कौन सी कौन सी हिल्स हैं ठीक है थीके? तो चार आपके चार्शन हैं इसमें अन्ना मलाई कोलीमलाई महेंद्र गिरी एंड सतमाला हिल्स सतमाला हिल्स अरे देखो देखो मैं आपको आसान तरीका बताऊं आपने पहले तो देख लिया ये कहां पर है ये नजर आया ना आपको ये कहां पर है ये है आपके साउथ में है साउथ में और साउथ में कोकोनट बहुत होता है मैं आपको सिर्फ याद करने की टेक्निक बता रही हूँ कोकोनट बहुत होता है ना और उसकी जब हम कोकोनट का पानी पी लेते हैं तो फिर क्या खाते हैं उसकी उसको कुछ और भी कहते हैं नाम कुछ और भी है उसका हाँ तो है कोई मलाई कौन सी मलाई मलाई अरे भाई यहां पर है कौन सी मलाई आप अपने सवाल में देखिए ऑप्शन में क्या दिया है आपको कोई मलाई भी है नहीं भाई मैं अन्ना मलाई खाऊंगी तो अन्ना मलाई है यहां पर आंसर है? अन्ना मलाई यस ठीक है इज इट करेक्ट चलो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट मैप ये देख रहे हैं मैप सिलसिले के साथ आ रहे हैं अब उनका नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर ग्यारह आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया में ही आपको एम मार्क करके दे रखा है सब कुछ वो दे देंगे सिर्फ आपको बताना होगा उन्हें बत, आपको बताना है नक्शे हिंद में एम के तौर पर निशान ज्यादा पहाड़ी सिलसिले की शनाख्त करें अब ये कौन सी पहाड़ियां इसकी शनाख्त आपको करनी है इसमें शिवालिक रेंज है इसमें अरावली रेंजेस हैं, इसमें गिर रेंज है, है एंड सतपुरा रेंजेज आर देयर मी सी के जो मैप में दिया है उस मैप में एम कहां मार्क करा इन लोगों ने एम मार्क करा है गुजरात में ये पता है ना ये गुजरात है और सबसे बड़ी स्टेट कौन सी है ये भी बता दो एंड राजस्थान इज दिस सबसे छोटी कौन सी है ये रही सबसे छोटी चलो हम बात कर रहे हैं यहां पर हमें बतानी है रेंजेस कौन सी हैं यहां पर जी क्वेश्चन है आपका कौन सी रेंजेस है यहां पर यहां पर आपकी नर्मदा तापी है विंध्या रेंज है और यहां पर एक रेंज और है जिसका नाम है अरावली रेंजेस ओके इसको क्या कहते हैं अरावली रेंजेस यहां पर गिर रेंज है करेक्ट आंसर इज गिर बिकॉज जो हैं वो ऊपर है वो, वो राजस्थान में अरावली रेंजेस जो हैं वो कहां पर है दिखाती हूं मैं आपको अरावली रेंजेस जो हैं वो राजस्थान में है जी बेटा अरे गूगल बाबा बहुत बढ़िया बाबा है आप क्लिक करो उसको आप बोलो वो आपको सब दिखाएगा बट आई एम टेलिंग यू कि हाँ थोड़ी बहुत गलती हो सकती है बट सर इज रियली हेल्पिंग है ये बट आई विद मी कुछ मेरे से गलती हुई हो होगी शायद तो यहां पर आपकी है गिर ठीक है पर उठिएगा गिरिएगा मत चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन again द नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें एक सवाल और है ये फिर अगर उन लोगों के लिए आया है विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स के लिए आया है स्किप दिस क्वेश्चन ओके okay. बेटे ये वाला सवाल करिएगा नहीं पता चले आप ये वाला सवाल भी अटेम्प्ट कर ले नहीं तो क्रॉस हो जाएंगे आपके मार्क्स जो आपको दिया है आपको वही अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी चीजों से दुरुस्त है आपको यह सवाल करने की जरूरत नहीं है सवाल नंबर बारह है आपका सवाल करेगा एक हक का एक शख्स के लिए क्या मतलब है नीचे से सही इस मुंतब करें यह दावा है इख्तियार है मलकियत है या आजादी है हक हक मीन्स राइट हाँ तो राइट right क्या हुआ आपके लिए इख्तियार पर मेरे अख्तियार में नहीं है फिर फॉर एग्जाम्पल मैं आपको हजार दफा इसका एग्जाम्पल दिया कि अगर क्लास में पांच छह बच्चियां बैठी हुई हैं दो दो बच्चियां बैठी है सीट्स पर और अगर एक बच्ची एक्स्ट्रा आती है हम उसको बिठाते हैं तो उसको बिठाया नहीं जाता तो उसको क्या है राइट है ना आजादी 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 तो भाई आजादी तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है आजादी मीन फ्रीडम क्लेम क्लेम जो चीज मेरी है मैं उसका क्लेम कर सकती हूं दावा कर सकती हूं करेक्ट यू आर ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके चॉइस है इसमें भी अगेन देखिए इसमें व्हाट आर इसमें आपकी चॉइस है एक फर्ज का किसी के लिए क्या मतलब है नीचे से सही इस तलाह करिए अब ऊपर आपको हक की बात करी थी यहां पर फर्ज की बात कर ली फर्ज क्या है चार ऑप्शन है बाख्तियार मतलूब हासिल करदा ख्वाहिशमंद बी यानी के मतलूब राइट देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सवाल नंबर तेरह रा में आपसे पूछा गया बुनियादी हुकूक ये हैं क्या है बुनियादी हुकूक काबिल इंसाफ काबिल इंसाफ काबिल समात जिम्मेदार खतादार खतावार होता है खतादार नहीं होता वैसे बी काबिल समात यानी कि अगर कोई उसका मिस यूज करता है या आपको इस्तेमाल करने नहीं देता तो वो काबिल समात है ठीक है देन अगेन यू हैव एन ऑप्शन सवाल करा गया है दर्जेल में से बार इज लिटिल डिफिकल्ट हाँ जी दर्ज में से किसी साल हक तालीम को छियासीवी आईनी तरमीम के जरिए बुनियादी हकूक के बाद में आई आई कांट ओके जस्ट मूव इट एंड यूज इट थैंक यू 2002 थाउजेंड टू यू सेट टू थाउजेंड टू वेरी गुड बिफोर स्टार्टिंग द एग्जाम यू आर गिविंग मी इधर रिप्लाई ओके आंसर is correct ओके okay. then the नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन is वकीले जनरल की तकरीरी भारत के किसी रियासत के गवर्नर के किन इख्तियारात में आती है किसमें आती है इंतजामी नहीं हमने पढ़ा था लेजिस्लेटिव पावर्स वी हैव लर्न एग्जीक्यूटिव पावर्स ओके मेनी अदर पावर्स हमने पढ़ी थी ना यहां पे बात हो रही है एडवोकेट जनरल कम्स अंडर विच पावर्स ऑफ अ गवर्नर गवर्नर की कौन सी पावर में आते हैं वो लेजिस्लेटिव पावर्स कैन दे मेक अ लॉ नो एग्जीक्यूटिव यू हैव वन मोर दिस इज डिस्क्रिशनी पावर सवाब दी दी ओके, इज इट फाइन क्लियर है बेटे ओके उसके बाद हम आ जाते हैं हमारा फिर उन्होंने यहां पर आपको चॉइस दिए आपके लिए पेपर इतना आसान बनाया गया है कि आप कंफ्यूज ना हो अगर वो नहीं आता नीचे चॉइस दी गई है यूज दैट चॉइस ओके okay. रियासती मालियाती कमीशन के अरकान की तकरीरी भारत के किसी रियासत के गवर्नर के किन इख्तियारत में आती है कानून साजी के इख्तियारी या इंतजामी मालियाती तो माली इख्तियार में फाइनेंशियल नेक्स्ट लोकसभा जी बेटा हाँ। सवाल है रियासती मालियती कमीशन मालियती मालियती मीन्स फाइनेंशियली उससे ऊपर वाला सवाल ये वाला सो अकॉर्डिंग टू यू विच इज द करेक्ट आंसर अपॉइंटमेंट ऑफ एडवोकेट जनरल कम्स अंडर विच पावर्स ऑफ अ गें गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट हां जी डिस्क्रिप्शनरी इज द करेक्ट ना आंसर दे आर आस्किंग वकील जनरल की तक भारत के किस रियासती? में. Yes. Yes. भाई, बशर एग्जीक्यूटिव गलती हो रही है एडवोकेट जनरल दे आर आस्किंग अबाउट द स्टेट पावर इंडियन स्टेट पावर राइट एंड योर आंसर इज करेक्ट माशाला मेरे बच्चे मुझसे ज्यादा अकलमंद है ये बहुत अच्छी लगा खुशी हुई देखकर ओके okay. ओके okay, ओके okay. बेटे अभी हमने जो आंसर देखे वो एक एक मार्क्स के थे इनके मार्क्स आपके सामने लिखे हुए ठीक है मैप्स भी हमने करे हैं अब हम सा आगे बढ़ते हैं यहां पर ये यह जो सवाल करा गया है हमसे उन्होंने बोला है दर्जेल पर गौर करें ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी मजमुई कौमी पैदावार लाइफ एक्सपेक्टेंसी मुतवक उम्र लेवल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट रोजगार की सतहें और लिटरेसी तालीमी शरह अब उनका सवाल क्या है उनका सवाल है कि ऊपर दर्ज करदा इशारे से किन तरक्याती की पैमाइश के लिए इस्तेमाल होते हैं ये जितनी चीजें चार चीजें बताई गई हैं ठीक है ठीके? जिसमें आपकी कौमी पैदावार आई आपकी तालीमी शराह आई मुतव उम्र आई आपकी एक्सपेक्टेंसी लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन यू हैव एम्प्लॉयमेंट ये किस कैटेगरी में आएंगे ह्यूमन डेवलपमेंट में आएंगे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे जस्ट इकोनॉमिक डेवलपमेंट में आएंगे या सोशल डेवलपमेंट में आएंगे आपको इसका इंसानी तरक्की हो रही है समाजी और तरक्की हो रही है सिर्फ समाजी तरक्की हो रही है या इकतदी तरक्की हो रही है इकतनी तरक्की हो रही है ह्यूमन डेवलपमेंट अगर हम देखें तो बेटा ये शख्सी तरक्की भी है ठीक है रोजगार मिल रहा है तालीमी शराह भी इंक्रीज हो रही हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी हो रही है आपकी और जीडीपी ठीक है हमारी मजमुई टोटल हमारी ग्रोस प्रोडक्शन क्या जा रही है हम वो भी देख रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू मी इट इज समाजी और इकतसादी तरक्की तो सोशल और एनी अदर डाउट कोई और जिसके पास ऑप्शन हो मेरे हिसाब से आंसर इसका होना चाहिए सेकंड बट हमने यहां पर एक वर्ड देखा है और वो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहां पे यानी कि एक जिंदगी जुड़ गई है साथ अगर जिंदगी जुड़ी है तो इट मींस ह्यूमन ह्यूमन मींस इंसानी करेक्ट द आंसर इज इंसानी तरक्की क्योंकि इंसान के लिए एक सोसाइटी समाज एक तौर पर भी समाजी तौर पर भी जरूरी है जिस समाज में वो रहता है जब समाज तरक्की करेगा तो वो बंदा खुद ब खुद तरक्की करेगा क्लियर है ओके नाउ वी आर मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटा तरक्की इंसानी तरक्की पहला इंसानी तरक्की ओके okay, अगेन ऐसा ऐसा सवाल एक और आया हमारे पास वो सवाल है फ्रीडम फ्रॉम मिलिट्री डेंजर्स यानी कि फौजी खतरात से आजादी मसला तनाजात से आजादी भूख से आजादी इन्हें इनहताज से आजादी अब इसके उन्होंने आपको जोड़े बनाकर दिए हैं और उनका क्या कहना है दर्जेबाला में से कौन सी आजादियों को सिक्योरिटी की नई तफीम समझा जाता है कल हमने पढ़ा था चैप्टर पीस एंड सिक्योरिटी पढ़ा था ना अब यहां पे उन्होंने जोड़े बना दिए हैं कैसा जोड़ा बनाया है फर्स्ट और सेकंड ये सही आंसर है उनके हिसाब से दूसरा दिया है फर्स्ट एंड थर्ड यानी कि फौजी खतरात से आजादी और मसला तनाजात से आजादी तीसरा ऑप्शन दिया है उन्होंने फर्स्ट एंड फोर्थ वो कहते हैं कि फौजी खतरा से आजादी है और माहौलिया इनहताज से आजादी है देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूख और क्या माहौलियाती इनहताज से आजादी है तो आपके हिसाब से हम अगर सिक्योरिटी की बात करें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए बताइए बी फर्स्ट एंड थर्ड सिक्योरिटी होगी यानी कि जब हमें आजादी मिलेगी फौजी खतरा से बी डी फॉर डॉग सर इंग डी फॉर डॉग यू सेट बी फॉर बॉल यू सेट बी फॉर बॉल अ वाइल्ड गैस इज गोइंग ऑन हम जब सिक्योरिटी की बात करते हैं तो क्या करते हैं भूख से आजादी तो सिक्योरिटी वहां पर है फिर अगर माहौलियाती आजादी फ्रीडम फ्रॉम एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विच वन ऑफ द फ्रीडम्स आर न्यू अंडरस्टैंडिंग्स अब देखिए जस्ट देखिए इसमें यहां पर एक लफ्स का इस्तेमाल करा गया है न्यू अंडरस्टैंडिंग्स यानी कि जो नई उसकी अंडरस्टैंडिंग नई सोच सामने आई है पहले हाँ बिल्कुल ये होते थे definitely, पर अब नई सोच के हिसाब से जो सिक्योरिटी सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो वो सिक्योरिटी का क्या मायने हो गया आपका वो हो गया भूख से आजादी दूसरा याती एनवायरमेंटल एनवायरमेंट किससे होता है मे बी देर आर सम मैंने आपको बताया था औरतें बूढ़े बच्चे यही अफेक्टेड होते हैं माहौल चाहे कैसा भी हो ठीक है तो आंसर डी इज ऑल करेक्ट नाउ वी आर मूविंग फिल इन द ब्लैंक्स मैंने आपको यह बात भी बताई थी कि बेटा फिल इन द ब्लैंक्स भी आते हैं और ये देख लीजिए ये टू मार्क्स के हैं दो नंबर के हैं ये और एक में आपको दो फिलअप से वन एंड टू ठीक है उन्होंने बोला है रू डैश ने फन और अदब के मैदान में भी इजहार पाया निशाते सानिया के फनकारों की सबसे बड़ी कामयाबियां डैश के मैदान में थी स्प्रिट या हम कह सकते हैं फिलॉसफी ऑफ आर्ट अदब के मैदान में फन और अदब की बात कर रहे हैं है ना फिलॉसफी ऑफ आर्ट इंसानियत जी पेंटिंग्स, यस, एक्सप्रेशन, राइट और वेरी गुड योर आंसर इज ऑल करेक्ट यहां पर किस मैदान में पेंटिंग में मूर्तियां बनाने में मुत तराशने में इसके अंदर ठीक है बेटा चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं यहां पर आपको एक ही सवाल करना यहां पे आपको दो सवाल करने यानी के एक एक नंबर के तीन आपको ऑप्शन दिए जो दो आसान लगते हैं उनको अटेम्प्ट कीजिएगा आप ठीक है इज इट क्लियर हम सारे क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे हम कोशिश कर रहे हैं आपको कुछ ऐसे सवाल दिखाएं जो आप देख लें और समझ लें यहां पर है सवाल नंबर तेईस इसमें भी आपको दो सवाल करने हैं एनी टू दो नंबर का है यानी कि एक एक नंबर का एक सवाल पहला सवाल है बर्तानिया में इनकलाब को शानदार इनकलाब क्यों कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन क्यों कहा जाता है यह पढ़ाया था आपको तो यहां पर हम क्या देखेंगे इसमें बर्तानिया में क्यों कहा गया था उसको जो रेवोल्यूशन आया था उसको ऐसा क्यों कहा गया था वो इसलिए कहा गया था कि उस वक्त जो क्या कहते हैं किंग्स जो थे की जो थी वो मौजूद थी पर उसको खत्म करा गया था ठीक है एंड क्या चीज अचीव करी गई थी एक ऐसा गोल अचीव करा गया था बगैर खून खराबे के अमन के साथ ठीक है ये था इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है ग्लोरियस रेवोल्यूशन कहा जाता है तानाशाही नहीं थी मोनार्की नहीं थी अमन के साथ एक ये नया काम हुआ था ओके देन नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाई डिड द किंग जेम्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड लीव हिज थ्रोन यानी के इंग्लैंड के बादशाह दोम जेम्स को अपनी सल्तनत छोड़ने की क्यों जरूरत पेश आई थी वो क्यों आई थी इसलिए आई थी क्योंकि ये आ गया था भाई बादशाह थे उनको सीट से उतरना पड़ा ग्लोरियस रेवोल्यूशन आ गई थी ठीक है बेटा चलिए आते हैं आगे अगले सवाल पर हम हमारा सवाल है राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा की मुखालफत क्यों की क्यों करी थी राजा राम मोहन रॉय ने बिल्कुल देखिए राजा राम मोहन नॉय ने इसकी मुखालफत क्यों करी थी वो इसलिए करी थी इसकी मुखालफत क्योंकि सबसे जो औरतों पर जुल्म हो रहा था और ये एक बहुत बड़ा जुल्म था जो वो देख रहे थे अपनी आंखों से ठीक है और वहां पर उन्होंने महसूस करा कि औरतों के भी कुछ हक हैं तो यहां पर एक तरह से मॉरल डाउन हो रहा था डिक्लाइन हो रहा था क्लियर है बेटा इस वजह से वो इसके खिलाफ थे राजा रोम मोहन रॉय इसलिए इसके खिलाफ थे उसके बाद आपका अगला सवाल है स्वामी तो दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की बुनियाद क्यों रखी क्यों रखी थी उन्होंने इसकी बुनियाद हमने वेदास नहीं पढ़े पर वेदास में ओके ओके हाँ उन्होंने रिवाइव करा था वेदास को और क्या करा था सामाजिक और मजहबी सतह पर बराबरी लेकर आए थे ठीक है और जो इंसानियत थी ना उसको उभारा था ऐसा नहीं जो पिस रहा था वो पिस ही रहा था इसलिए वो चाह रहे थे कि सब सामने आए और उनका वजूद उनकी जात को तस्लीम करा जाए ठीक है उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वी आर नॉट टेकिंग टू मेनी क्वेश्चन सवाल नंबर उनतीस सवाल नंबर उनतीस है देखिए अभी तक दो नंबर के ही सवाल आ रहे हैं उन्होंने पूछा है रेलवे के किसी दो फायदों का जिक्र करें क्या फायदा है रेलवे का वेरी गुड वेरी गुड सबसे ज्यादा वेल ऑर्गेनाइज है और आप इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है उसके अलावा क्या हो रहा है एनवायरमेंटल फ्रेंडली है ये ठीक है और सबसे ज्यादा सस्ता है और ज्यादा लोग इसमें सफर कर सकते हैं समझ में आ रहा है ज्यादा आरामदेह भी है हां टाइम कंज्यूमिंग है जहां आप अगर जहाज का सफर करें तो आप दो घंटे में उस जगह पहुंच सकते हैं बनिस्बत इसके अगर आप ट्रेन का सफर करें और उसी जगह आपको पहुंचना हो तो आपको पूरा दिन भी लग सकता है चलिए ओके नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर थर्टी वन द प्रेजिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय एंड डैश यानी सदर का गैर मुस्तकीम इंतखाब एक डैश के जरिए किया जाता है जिसमें डैश के दोनों ऐवानों के मुंतखब अरकान और रियासती रियाबलियों के अरकान शामिल होते हैं अब सदर यानी के प्रेजिडेंट का इंतख्या कैसे करा जाता है किस चीज के जरिए करा जाता है एक ट्रायंगल सा बॉक्स हुआ था शायद मैंने दिखाया था उस वक्त मार्क करा था एक कॉलेज होता है नौ no, पार्लियामेंट के भी होते हैं उसमें मेंबर शामिल नो डाउट बट इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रल कॉलेज ये आपका पूरा डायग्राम बना हुआ है जो मैंने मार्क करवाया था आपको इलेक्ट्रल कॉलेज और क्या होता है आपका पार्लियामेंट दोनों हाउसेस कहां होते पार्लियामेंट में ओके okay. द लोकसभा एंड द राज्यसभा बोथ द हाउसेस आर वेयर दे आर इन द पार्लियामेंट ओके नाउ वी हैव वी आर मूविंग यही बोला जाता है इसको बेटा आप अपने उस चैप्टर को खोलिएगा वहां मैंने यह मार्क भी करवाया था आपको इसी पेज पर सीधे हाथ पर पेज पर ऊपर सबसे टॉप पर वो डायग्राम बना हुआ है ठीक है ये आपके कुछ सवाल आए उसके बाद हम अगर आगे चलें हमारा आ जाता है सेक्शन बी राइट टू इवेंट्स विच मार्क इन द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एज ये भी देखिए दो दो नंबर के सवाल है उन्होंने बोला है जदीद दौर के आगाज की निशानी बनने वाले दो वाकयात तहरीर करें कौन से दो वाकयात हुए थे जदीद दौर में जब दाखिल हुए थे वो लोग मॉडर्न एज में एक तो था रिफॉर्म्स हुए थे बहुत सारे इनकलाब आए थे दूसरा पॉइंट क्या था इन्वेंशन ऑफ प्रेस प्रिंटिंग प्रेस और अगर मैं इसके आंसर आपको छोटे छोटे बता रही हूं तो आप इसको इलेबोरेट खुद कीजिएगा थोड़ा दो दो लाइन में बढ़ा दीजिएगा इनको ओके वी आर मूविंग विद नेक्स्ट एक सवाल और था यह सवाल क्वेश्चन नंबर थर्टी फोर इन्होंने सवाल करा है एक या दो अल्फाज में जवाब दे नीचे दी गई तारीफों के मुताबिक ग्रुप का नाम बताइए लोगों का मुंजिम ग्रुप जो अपने मखसूस मकासद को फरोग देने की कोशिश करता है ऑर्गेनाइज ग्रुप ऑफ द पीपल विच सीक्स टू प्रमोट दियर स्पेसिफिक मोटिव हमने एक चैप्टर पढ़ा था इसका नाम ही यह था मैंने आपसे पूछा था आपके इलाके में कौन कौन सी पार्टीज हैं वेरी गुड पॉलिटिकल पार्टीज सियासी जमाते पॉलिटिकल पार्टीज उसके बाद दूसरा है ऐसा ग्रुप जो मजबूत इरादे के साथ किसी खास नतीजे को पैदा करने के लिए असर या दबाव डालता है दबाव डाल रहा है वो प्रेशर ग्रुप्स राइट ओके ये सवाल वाई डिट ब्रिटिश क्रिएट अ क्लास ऑफ एजुकेटेड इन इंडिया बर्तानवियों ने हिंदुस्तान में अंग्रेजी तालीम याफ्ता तबका क्यों बनाया उसकी दो वजूहत बताइए क्यों बताया क्यों बनाया था एतबार से भी वेरी गुड वेरी गुड योर आंसर इज ऑल करेक्ट तो अपनी सियासी और माशी ठीक है सोशियो एंड इकोनॉमिक कंडीशन को अपग्रेड करने के लिए क्योंकि उनकी जबान कोई बोलने वाला नहीं था यहां पर और जो आपने बताया वो आंसर आप यहां पे मेंशन भी कीजिएगा क्लियर है बेटा ओके चलिए वी आर मूविंग क्वेश्चन नंबर थर्टी एट डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन राइट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंसानी हुकूक की अहमियत को भारतीय आइन में बयान करें कैसे बयान करेंगे हमारे आइन ने इंसानी हुकूक के क्या दिए हैं कितने हुकूक दिए हैं वेरी गुड एंड एजुकेशन बाय द वेरी गुड वेरी गुड बेटा वेरी गुड अल्लाह आपको कामयाब करे बाकी सबको भी कामयाब करे वेरी गुड द आंसर इज ऑल करेक्ट नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जी बेटा नहीं बेटा एक एक लाइन अगर इंक्रीज कर देंगे तो कोई हर्ज नहीं है पर बहुत बड़ा पैराग्राफ मत लिखिएगा ठीक है

वाबस्ता ना हो ठीक है ना? ना बिल्कुल वेरी गुड अगेन बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया वेरी गुड आई वॉन्ट टू सी यू जस्ट पुट ऑन योर कैमरा वॉन्ट टू सी यू ओके यू आर गिविंग द आंसर गुड वेरी गुड माशाला कीप इट अपर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाव अगेन सी क्वेश्चन यहां पर दो दो तक है जैसे ही आपका सवाल नंबर फोर्टी थ्री आया है आपका सवाल तीन नंबर का बन गया है ठीक है एक और क्वेश्चन ले लेते Explain the number of judges, including Chief Justice, in Supreme Court of India. Uh, कि, कितने जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस को मिलाकर नहीं जी केस बहुत सारे बढ़ गए तो जज बढ़ गए Now दे आर थर्टी थ्री Okay, including the Chief Justice of India. Okay, now I am coming at the end of this. Wait, wait, let me see. You have 52 questions, but the thing is that all are very easy. वट दे और मैप आया है अब आप देख रहे हैं ये मैप आपका चार मार्क्स का है कितने मैप आ चुके हैं आ गए पांच मैप उन्होंने पूछा है आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया लोकेट एंड लेबल द फॉलोइंग रिवर कावेरी सो वेयर कावेरी इज द कावेरी कहां पर है कर्नाटका एंड तमिलनाडु इन दो स्टेट से होकर गुजरती है क्लियर देन नेक्स्ट इज देवर आस्किंग अबाउट कार्डमम हिल्स वहां पर इलायची के पहाड़ हैं, ठीक है थीके? तो उसकी बागबानी होती है अब ये कौन सी जगह है जी पेपर में कौन कौन से पेपर आएंगे वो आएंगे मैप्स देखिए बेटा हमने जब सबसे पहले सेशन स्टार्ट करा था उस सेशन में आपको बताया था बेटा फर्स्ट ऑफ तो ऑल म्यूट योर माइक हमने जब सेशन स्टार्ट करा था उसमें सबसे पहले आपको बताए थे आपके 27 चैप्टर हैं टोटल जिसमें से आपके कुछ चैप्टर्स जो हैं वो क्या हैं वो टीएमए के अंदर चले गए जो आपने 20 नंबर का टीएमए करा था और कुछ चैप्टर्स जो आपके हैं वो किसमें आ गए जिनका एग्जाम आप, आप देंगे तो टोटल आपके कितने सब है सोलह सोलह सबक आपके ठीक है हाँ? लेसन नंबर लिख लीजिए बेटा जरा जल्दी हाँ, बाइफरकेशन वाले ही हैं, बेटा लेसन नंबर्स लिख लीजिए जो आपके सबक आ रहे हैं सबक नंबर तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और तेरह दूसरी किताब में सबक नंबर सोलह उन्नीस बीस इक्कीस तेईस पच्चीस और सत्ताईस डन ठीक है, नाउ सी ये जो आपकी कार्डमम हिल्स हैं, ये आपकी कहां पर है आपके केरला में ठीक है केरला में है आपके ये उसके अलावा उन्होंने पूछा है कि गुजरात में कौन सा एरिया ऐसा है जहां पर रेनफॉल 60 सेंटीमीटर से कम होती है ठीक है साठ सेंटीमीटर से कम होती है तो आप इसको गुजरात में मार्क करेंगे साउथ की तरफ नीचे की तरफ इस तरफ ये आपका गुजरात आ गया दिस इज योर गुजरात तो यहां साउथ ऐसा आ गया वेस्ट की तरफ यानी कि इस तरफ इसको मार्क करेंगे आप क्लियर है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू आपको पता ही है कहां है नो इट्स हेयर छोटा नागपुर प्लेट यू मालवा प्लेट यू दे आर हेयर ये आपका डक्कन डक्कन पठार आ गया आपका ओके कल आपने एक सवाल और पढ़ा था यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कल पढ़ा था नाम नहीं लास्ट में सलामती काउंसिल और मैंने यहाँ पे सवाल लिखवाया था एक्सप्लेन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन उसका काम क्या होता है ठीक है और क्या था कल एक सब चीज और थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट हिंदुस्तान ने क्या करा था दोबारा बदला दीजिए क्या बेटा चैप्टर्स तो नंबर सबक नंबर चलिए दिस इज द लास्ट थिंग विच आई एम टेलिंग यू बता रही हूं, बता रही हूँ बेटा द लास्ट थिंग आई एम टेलिंग यू वंस अगेन प्लीज बी पेशेंट एंड क्वाइट पहली बुक में से आपका आ रहा है सबक नंबर तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस और तेरा सबक uh, और किताब नंबर दो में से आपका आ रहा है सबक नंबर सोलह उन्नीस बीस इक्कीस तेईस पच्चीस और सत्ताईस कैन बी वाइंड अप सो आई होप यू विल प्रैक्टिस वेल एनी क्वेश्चन देखिए आपको लास्ट में मैप दे रखे होंगे तो आप परेशान मत होइएगा इट्स नहीं है बट हियर वी हैव इन द प्रिंट मटेरियल हाँ जी ना? बिल्कुल आपका इम्तिहान नहीं है वो मेरा इम्तिहान है डोंट थिंक लाइक दैट इट इज माई एग्जाम अगर आप पास करेंगे तो मैं पास होंगी समझ में आई